सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, चूल्हा चौकी में आप सबका स्वागत है। आज हम इडली बनाएंगे, बिना इनो का बनाएंगे। आज हम बिना इनो का इडली बनाएंगे। उसके लिए 2 गिलास चावल, 1 गिलास उड़द दाल डालेंगे। उसको अच्छे से धो के 4 घंटा फूलने देंगे। उसके बाद पीस लेंगे, उसको पीस करके उसमें नमक डालेंगे, अच्छे से मिला के रख देंगे 12 घंटा। उसके बाद वो अपने आप फूल जाएगा अच्छे से। नमक डाल के रखने से इनो और बेकिंग पाउडर का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, बिना इनो का ही अच्छे से फूल गया है। घोल में ही हम तड़का लगा देंगे। उसके लिए सरसों लेंगे 2 चम्मच, चना दाल को फुला लिए हैं ये 2 से 3 चम्मच है, और 5 से 6 हरी मिर्च काट लिए हैं इस तरह से। गैस कढ़ाई पर रख दिए, गैस जला लिए हैं। अब इसमें हम सरसों तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच है, छोटे चम्मच से। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम सरसों डाल देंगे। सरसों थोड़ा अच्छे से फूट जाए, उसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को ब्राउन पका लेंगे, आधा ब्राउन हो गया हरी मिर्ची। अब इसमें चना दाल डाल देंगे, इसको भी 1 मिनट भून लेंगे। इस तरह से आटे को भूनेंगे। फ्राई हो गया है, अब इसको हम इडली के घोल में डाल देंगे। थोड़ा सा बचा के रख लेंगे चटनी के लिए। इसको अच्छे से मिला देंगे। इडली बनाने के लिए पानी रख दिए हैं गैस पर, गैस को फुल रखेंगे। जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम घोल को इडली बर्तन में डाल देते हैं। पहले हम इडली बर्तन में तेल लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम घोल डाल देंगे। पानी उबल गया है, अब हम इडली को बर्तन इसमें रख देंगे। 1 बात का ध्यान रहे, ज्यादा पानी नहीं डालना है कढ़ाई में, नहीं तो फिर इडली में पानी चला जाएगा। इसको ढक देंगे ढककर, उसके बाद 8 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस फुल पर रहेगा। जब तक इडली बन रहा है तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चना दाल को फुला लेंगे 4 से 5 घंटे। थोड़ा सा चना दाल लिए हैं, 5 से 6 लहसुन कली, 2 हरी मिर्च, 50 ग्राम फल्ली दाना। इसको हम कढ़ाई में भूंज लिए हैं, सिर्फ तेल, बिना तेल का भूंज लिए हैं, और धनिया पत्ती लेंगे। चना दाल को कढ़ाई में 2 मिनट भून लेंगे, बिना तेल का भूनेंगे। इसी तरह फली दाना भी भून लेंगे। फली दाना को भी बिना तेल का कढ़ाई में इस तरह भून लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को पहले इसको हल्का सा घिस लेंगे मिक्सी में। पहले हम लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह दरदरा कर लिए हैं। बादाम डाल देंगे, फल्ली दाना, चना दाल डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे। फिर इसको पीस लेंगे। चना, फल्ली दाना, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। फिर इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच। फिर इसको पीस लेंगे। देखिए, चटनी पिसा गया है। इस तरह पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। दरदरा रखने से स्वादिष्ट लगता है खाने में। चटनी तैयार हो गया है। जो तड़का हम बचा के रखे थे वो चटनी में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला देंगे।
8 मिनट हो गया है, गैस बंद कर देंगे, ढक्कन हटा देंगे। अब ठंडा होने देंगे तब इडली निकालेंगे। इससे ठंडा हो गया है, अब इसको हम चाकू से इस तरह से निकाल लेंगे सभी इडली को। इस तरह से सबको निकाल के रख लेंगे। देखिए बिना इनो का इडली कितना सॉफ्ट बना है। बनाइए, खाइए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।